नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हुराशी। आइए खबरों की शुरुआत करें। चास झारखंडी भाषा संघर्ष समिति झारखंड सरकार ने जिस मांग को लेकर सड़क पर उतरा था, सरकार ने समिति की मांग को स्वीकार करते हुए 18 फरवरी को बोकारो एवं धनबाद जिले में लागू मगही और भोजपुरी के प्रभावी अधिसूचना को निरस्त कर दिया। उक्त बातें झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के वरिष्ठ सदस्य सह राजेश महतो ने रविवार को एक प्रेस वार्ता में कही। इसके बाद केंद्रीय समिति का कोई अहम बैठक नहीं होने के कारण कोई भी अगला कार्यक्रम का निर्णय नहीं लिया गया है। कोर कमेटी में अगला निर्णय होने तक सभी कार्यक्रम 20 फरवरी तक के लिए स्थगित किया गया है। समिति के वरिष्ठ सदस्य जयराम महतो ने कहा कि कोई भी संघ या संगठन इस बैनर में इस्तेमाल करता है तो वह अवैध माना जाएगा। समिति का पहला आंदोलन सफल होने के बाद इसका गहन समीक्षा के बाद ही अगला रणनीति तैयार किया जाएगा। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति झारखंड के आदिवासी मूलवासी का हक एवं अधिकार की रक्षा के लिए आगे भी संघर्ष करती रहेगी, जब तक झारखंड आंदोलन के शहीदों की भावना के अनुरूप झारखंडी मानुष को उनका हक नहीं मिलता। मौके पर विक्रम महता, किरण चंद्रमान जी, तुलसी महतो, दयामय बनुवार, महेश मुद्रुवार, निमाई महतो, दीपक महतो, परमेश्वर महतो, अजित महतो, संजय महतो आदि उपस्थित थे। आज झारखंड भाषा संघर्ष समिति आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस उपस्थित हमारे आंदोलन धार देने वाले युवा साथी जयराम बाबू, तुलसीदास, दयामय बाबू, निमाई महतो, किरण दास। ये हम लोग का जो आशा था, जो हम लोग 25 तारीख आंदोलन शुरू किए थे झारखंड भाषा संघर्ष समिति बैनर चले, भाषा विवाद में जो भी चला, 55 दिन जो हम लोग का आंदोलन हुआ दोनों जिला में, उसके बाद सरकार का निर्णय आया, भोजपुरी मकई का आपस लिया गया। उसके बाद जो भी हम लोग को झारखंड भाषा संघर्ष समिति का बैनर चले, जो भी हम लोग प्रोग्राम शेयर था दोनों जिला में, हम लोग अभी तक स्थगित करते हैं। अगला आदेश तक हम लोग दोनों जिला बैठ के फिर निर्णय लेंगे कि हम लोग अगला आंदोलन जो भी होगा दोनों जिला बैठ के हम लोग निर्णय लेंगे। अभी तक हम लोग दोनों भी जितना प्रोग्राम हम लोग झारखंड भाषा संघर्ष समिति स्थगित करते हैं, और हम लोग जो झारखंड भाषा संघर्ष बैनर चल जो भी बोकार धनबाद जिला में बैनर को हिट कर रहा है, वो हम लोग झारखंड भाषा संघर्ष समिति उसको कटाक्ष करता है, वो अपना हिट करता, अपना भोगे, अपना निर्णय करे। इसे इस समिति का अगला रणनीति के बारे में करेंगे हम लोग दोनों जिला बैठ के, जो हम लोग आशा या अनुरूप के साथ जो निकले थे, हमारे जो झारखंडी मानस, जो झारखंडी जनमानस जो निकला हम लोग बोकार धनबाद का, ये छोटा मोटा आशा पूरा हुआ कि आशा से झारखंडी जनमानस आशा इस आशा से पूरा नहीं है, बड़ा आंदोलन है। भाषण भाषण जयराम भी बोले, हम लोग भी बोले कि जो झारखंड का जनमानस का क्या मांग है, आप लोग भी पता है कि क्या मांग है, जिसके खातिर राज्य अलग हुआ। हम लोग खतियारीधारी 1932 का खतियारीधारी हम लोग को हक चाहिए, ये आंदोलन हम लोग दोनों जिला बैठ के फिर हम निर्णय लेंगे झारखंड भाषा संघर्ष समिति। आपका अंतिम लक्ष्य 1932 है? एकदम एकदम, ये जो भाषा जितना हम लोग आंदोलन, जो भाषा है हम लोग आंदोलन रूप में सब भाषा में हम लोग 1932 का ही यहाँ जनमानस, झारखंड के जितना भी जनमानस है सबका दिल में और मन में, और हम लोग नेतृत्व करता जयराम बाबू भी बोलते थे, हम भी बोले, तुलसीदास बोलते, दयाल बाबू बोले, 1932 लास्ट है जो हम लोग को मांग है। इसी मांग के खातिर राज्य अलग हुआ था, ये विनोद भवन, निर्मल महतो, शायद शक्तिनाथ महतो का धरती, एकेरा का धरती, इस धरती का हम लोग उपज है, और ये धरती ये मांगता है, जो मांगने का हम लोग आंदोलन दिखा दें, हम लोग मानव श्रृंखला का हम लोग दिखा दें सरकार को 30 तारीख को, ये क्या हम लोग चाह रहे हैं झारखंड जनमानस। जयराम बाबू, चलिए आप सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे, आपकी बात मान ली। जी नहीं, सरकार को धन्यवाद नहीं देना चाहेंगे, अगर सरकार को धन्यवाद देना रहता तो हमारी 3 लाख माताएं बहनें सड़क पर नहीं आती। ये आंदोलन झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले तमाम झारखंडी आवाम की आवाज़ थी, माताओं बहनों का आंदोलन था, हर एक झारखंडी की आंदोलन था, तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे तमाम लाखों उन माताओं बहनों को जिन्होंने दर्द को समझा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।